रेलवे यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री से तो कमाई कर ही रही है, लेकिन आरक्षित टिकट निरस्त करने से भी उसे मोटी कमाई हो रही है। यात्रियों के अनुरोध पर उनके रिजर्व्ड टिकट कैंसिल करने के एवज में भी रेलवे मोटी कमाई कर रही है। रिजर्व्ड टिकटों को कैंसिल करने के बदले वसूले जाने वाले चार्ज से रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14.07 रुपए अरब पहुंच चुका है। ये इसके पिछले साल के मुकाबले 25.29% ज्यादा है। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत ये जानकारी रेलवे से मांगी थी, जिसके बाद रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र सीआरआईएस से ये जानकारी मुहैया कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में रेलवे ने टिकट रद्द करने के बदले में यात्रियों से 11.23 अरब रुपए कमाए हैं। साल 2014-2015 में 9.08 अरब रुपए और वित्त वर्ष 2013-2014 में 9.38 अरब रुपए कमाए हैं। साफ है कि मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को रद्द किए जाने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली के तहत बुक कराए गए यात्री टिकटों को रद्द किए जाने से रेलवे ने वित्त वर्ष 2012-2013 में 12.98 करोड़ रुपए, 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपए, 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपए, 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपए और 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपए की कमाई हासिल की है। भारतीय रेल ने टिकट कैंसिल कराने के नियम को बहुत ही कठोर कर दिया है, इसलिए कई बार मुसाफिर इस जाल में फंसकर टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं। वहीं समय पर टिकट रद्द कराने पर भी इस पर मोटी रकम कैंसिलेशन फी के रूप में काट ली जाती है। सुरेश प्रभु के रेल मंत्री बनने के बाद टिकट कैंसिल कराने का शुल्क और भी बढ़ गया है। टिकट कैंसिल कराने पर इतने सख्त नियमों की वजह से ही करोड़ों मुसाफिरों की जेब कट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।